नमस्कार, मैं हूं संध्या मुखर्जी और सीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की फास्ट न्यूज पर। मेरठ से गिरफ्तार किए गए पाक जासूस एजाज का दखल पाकिस्तान के उच्च सत्ता के लोगों के साथ सामने आ रहा है। रिमांड पर लिए गए एजाज से पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों ने कुछ तस्वीरें बरामद की है, जिसमें एजाज का भाई फहद पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ दिख रहा है। जो एजाज को रिमांड पर लिया है, उस पर लगातार पूछताछ की जा रही है और जो पहले स्टेज की पूछताछ थी उसी के इर्द गिर्द ये पूरी बातों को घुमा रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं खुल रहा है। इसका जो लैपटॉप इसके पास से मिला था उसको भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, उससे जो जानकारी मिलेगी तो उस लीड पर आगे पूछताछ की जाएगी, तो उम्मीद है कि उससे आगे के राज खुलेंगे। फिलहाल जो शुरू की पूछताछ में बताया था उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहा है। मेरठ पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र में 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कल जो है डीआईजी रेंज ऑफिस के इंचार्ज SMC RC प्रभारी निरीक्षक AK सिंह और उनकी टीम तथा रोहटा की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 900 ग्राम नशीला पदार्थ बार्बिट्यूरेट बरामद किया है और ये वर्षों से ये काम कर रहे थे। इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं। नागपुर में 29 दिसंबर को छपरा में बैन गंगा नदी में लड़का और लड़की का शव मिलने से मामला सामने आया। परिवार ने रोष व्यक्त करते हुए थाने का घेराव किया, जिसमें दोनों बच्चों के जनाजों के साथ लोगों का हुजूम शामिल था। यहाँ से 27 तारीख को कामगार नगर से 2 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें उनका यहाँ पे सभी बताया जा रहा है कि उनके मामा ने उनको लेके यहाँ से गायब किया। यहाँ उनके वालिद साहब ने जब यहाँ पे 27 तारीख को कंप्लेंट डाली जरीपटना पुलिस थाने में, तो यहाँ के पुलिस ने जो है उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन उठा लिया नहीं। 28 तारीख को फिर से जब बच्चों के यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, पुलिस ने अपना एकदम निकम्मापन जाहिर करते हुए किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। तो कंप्लेंट तो लिखे उन्होंने, लेकिन वो कार्रवाई वो अपने तरीके से किए। उनकी कार्रवाई जो है, उनकी जो सूचना जो है जरीपटना में रही, वहाँ से आगे कहीं गई नहीं। नगई नारायण जी मेमोरियल संस्था नागपुर द्वारा गरीब जरूरतमंद और दिमागी तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को मुफ्त इलाज किया जाता है। संस्था का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना, जिसमें सारी मूलभूत सुविधाओं का समावेश होगा, जिस वजह से बच्चों को अच्छा इलाज दिया जा सकेगा। और ये मेरा अकेले का काम नहीं, इसमें हमारी जो भी डॉक्टर्स लोगों की टीम, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट और अभी जैसे कनाडा से भी हमारे डॉक्टर साहब आए, ऐसे जो सब लोग जो है जुड़े हैं, इनके द्वारा ही एक मतलब कार्य संभव हो पा रहा है। अमरावती से मैयत में शामिल होने के लिए 9 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में नागपुर आ रहे थे। अचानक गाड़ी का नियंत्रण खो जाने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 1 की मौत और 8 लोग घायल हुए, उनमें 3 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर। पहले अमरावती में रहते हैं, वहाँ से हम लोग नागपुर आ रहे थे मैयत में, तो हमारी गाड़ी का एक टायर पीछे का टूटा और उसके बाद में अनबैलेंस होकर गाड़ी पलटी हो गई, जिसमें कि हमारे गाड़ी में 9 साथी थे, 9 सवार थे, 1 की डेथ हो गई। आम आदमी पार्टी विदर्भ द्वारा आज विभागीय रेलवे प्रबंधक नागपुर के रेलवे परिसर में हो रही समस्याओं के संदर्भ में निवेदन पत्र 3री बार सौंपा गया। निवेदन पत्र सौंपते हुए पार्टी के सोनू काकड़े तथा अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। के अंदर से 12 खासदार जाते हैं और करीबन 60 से 62 आमदार हैं। इनको 68 साल में इनको शर्म करना चाहिए कि यह विदर्भ का आदमी काश्तकार सिद्धरी आत्महत्या कर रहा है। वो अपना माल सही टाइम पे मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहा है और यहाँ से यहाँ का माल वो अपने गाँव में नहीं ले जा पा रहा है, जिससे सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई है।
पिछले दो महीनों में तिलक नगर पुलिस स्टेशन में लोगों ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि एयरटेल कंपनी ने जब से टावर लगाया है तब से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग सीने की बीमारी से ग्रस्त है। कितनों को तो हार्ट अटैक भी आ चुका है, परंतु प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मोबाइल का टावर का निर्माण किया गया है, तब उस जब वो टावर बन रहा था तो उसका क्या क्या उससे हमको नुकसान है वो मालूम नहीं था हमको। जब हमको पता चला तब तक उनका काम आधा हो चुका था, फाउंडेशन का काम चल रहा था। तो उस वक्त हम यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो पहले थे ये इलेक्शन के पहले उनके पास रहे, बाद में उन्होंने बोला कि अभी दिवाली आ रहा है, फिर बाद में इलेक्शन का पीरियड बाद में देखेंगे। मामला कुछ क्या, वो टावर की वजह से हम लोग को तकलीफ होती है, वो छाती में दर्द होता है, हाथ पैर खींचते हैं, हाथ पैर में मुंगे आते हैं, बस उतना हमको टावर इधर नहीं मांगता है। कितने महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है और कौन सा टावर है ये? वो तो टावर मोबाइल का है, अभी कौन सा कंपनी का वो मालूम नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन से गिरकर यात्रियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दो दिनों में सिर्फ ठाणे जिले में 4 यात्रियों की मौत, जबकि 12 जख्मी मुंबई के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे तो जो रहने वाले यहाँ पे ईस्ट में तो गांव है पुराना, तो सब लोग रहने वाले इधर ही है, फिर भी यहाँ पे ब्रिज नहीं है। तो यंग लोग तो उनका तो छोड़ो, वो तो होता ही है, यंग लोगों का भी होता है एक्सीडेंट, लेकिन जो बूढ़े लोग है उनका क्या, वो कैसे यहाँ से वहाँ जाएंगे 2-3 मिनट में। नगर कॉलोनी में उस वक्त कोहराम मच गया जब अचानक से एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि गोली कैसे चली इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जाँच की जा रही है। SCP अभय सिंह है जो सिविल लाइन में इनकी तैनाती है, इसमें पिछले एक महीने से मेडिकल अवकाश पर थे, इस समय अपने राजनगर में आवास पर थे, वहाँ ये इनकी जो खुद की लाइसेंसी बंदूक 12 बोर की उसको साफ कर रहे थे, वो साफ करते हुए गोली जो है अचानक चल गई लग और ट्रैगर दब गया, उससे गोली इनके पेट में लगी और इनकी डेथ हो गई। यह मामला भिवंडी के सुदर्शन नगर का है, जहां के निवासी भगत सिंह परहार का बच्चा और उसके रिश्तेदार का बच्चा गत 2 तारीख को अचानक लापता हो गए। भगत सिंह ने पड़घा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा अपहरण की शंका जताई है। पुलिस निरीक्षक भोसले इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। क्या हुआ, पूरी तरह बताएं मामला क्या है, बच्चे क्यों भागे? कोई पता नहीं है सर, हम तो धंधे पे निकल गए थे और वो भी धंधे पे गए थे, धंधे से आके वो घर पे आके माँ को बोला खाना बना दो, खाना बनाया, माँ ने बनाने लगी तो इतने में भाग गए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बिल्कुल सर। कितने साल के बच्चे? एक 15 साल का, एक 16 साल का। नागपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र देवला पार करवाही के नाबालिग लड़की का नागपुर से अपहरण कर उसे मध्य प्रदेश में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवला पार पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपल्याकडे करवाई गावामध्ये एक अल्पवयीन मुलगी होती, ती नागपूर या ठिकाणी मजुरीचे काम करण्याकरिता जात होती, तर त्या ठिकाणी त्या मुलीला यातील आरोपी जो आहे एक सोनम मडावी म्हणून एक महिला आरोपी आहे नागपूरची, त्याचप्रमाणे एक जमील खान हा भोपाळचा आरोपी आहे पण तो नागपूरमध्ये स्थायिक आहे, तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करतो। त्यांनी या मुलीशी संपर्क साधून तिला काहीतरी फूस लावून पैशाचे आमिष वगैरे दाखवून तिला भोपाळ या ठिकाणी विकलेलं होतं। भोपाळ या ठिकाणी अजून एक दिनेश तोमर आणि जगदीश तोमर असे याच्यामध्ये आरोपी आहेत, त्यापैकी दिनेश तोमर हा आपल्याकडे अटक झालेला आहे। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के श्रीकंठपुर गांव में माफिया ड्रोन ब्रिजेश सिंह के करीबी व बसपा नेता राम बिहारी चौबे के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। श्री राम बिहारी चौबे जी श्रीकंठपुर के निवासी थे और आज सुबह कुछ नकाबपोश लोग आए, इनके घर से बच्चे के जरिए बुलवाए और जब निकल करके आए तो उनको गोलियों से भून दिया और उसके बाद चले गए। ये राजनीति से भी जुड़े हुए थे, व्यापार से भी जुड़े हुए थे और अभी इसकी तहकीकात की जा रही है।
बुलंदशहर के ककोड़ में शुक्रवार की शाम सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस पर हाई टेंशन का तार टूटकर गिर गया, जिसमें बस में आग लग गई और करंट व आगजनी से मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सपा विधायक गुड्डू पंडित ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हवाले से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के लिए और 2-2 लाख रुपया और जो भी घायल हैं उनकी व्यवस्था करी जा रही है। अभी तक तो 8 और 10 की संभावना मतलब बताई जा रही है जो अधिकारी, और अभी मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं कोई संदेह की जा सकती, लेकिन डेड बॉडी जा रही है, कितने इंजर्ड है अभी आपको। जनपद शाहजहांपुर में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 277 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद के लिए 2574 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सालों साल से बिना सैलरी पे काम कर रहे शिक्षक स्कूल में काम करके परेशान होकर आज शेगांव से नागपुर 344 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ शिक्षक पर्चे बांटेंगे और भीख मांगकर अपना पेट भरेंगे। बिना अनुदानित शिक्षकांना 2001 पासून पगार नाही, मुळात हे बिना अनुदानाचं धोरणच चुकीचं आहे आणि विजाभज कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना गेल्या 7 वर्षापासून पगार नाही। हा पगार त्यांना मिळावा त्यांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन सुरू केलं आहे असं अभिमानाने सांगतो। पण या राज्यामध्ये 1983 पासून फार धोरणं बदलायला सामोरी गेली आहे। जे स्वतः फार एज्युकेटेड विद्या उच्च विद्याभूषित बांधव असतात त्या बांधवांचा छळ या राज्यामध्ये सुरू झालेला आहे। हा टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला आणि 2001 साली त्याचा कहर झाला असंही वाटतंय। 11 तारखेला आमचा एक प्रचंड मोर्चा राज्य शासनाच्या विरोधामध्ये विधानभवनावर धडकणार आहे आणि विधान भवनामधील परिषदेमध्ये सुद्धा आम्ही आमचा टाहो त्या ठिकाणी फोडणार आहे आणि या बांधवांना वेतन मिळेपर्यंत आम्ही थांबणार नाही। हा फार मोठा प्रश्न माझ्या पुढे आहे। आत्महत्या करावी काय करावी, बायका पोरांचं काय करावं, हा फार मोठा ग्रहण प्रश्न आहे। तरी शासनाने आम्हाला विनाअट 100% अनुदान द्यावं अशी माझी नम्र विनंती आहे।